ये कहानी जैक और मेरे नाम के दो दोस्तों के ऊपर आधारित है जो कि पैसा कमाने के लिए घपा घप वाली वीडियो बनाने के लिए सोचते हैं, लेकिन पर्सनली एक दूसरे के साथ घपा घप करने के बाद ये दोनों को एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार हो जाता है, जिसके बाद मेरी और जैक किसी और के साथ घपा घप नहीं कर पाते। आगे इन दोनों के बीच कब कब और क्या क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इस मूवी का नाम है जैक एंड मेरी मेक एपी और ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम जैक और मेरी को देखते हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड से काफी अच्छे दोस्त थे, जिस वजह से ये दोनों पेंसिल्वेनिया नाम की एक जगह पर एक साथ रहते हैं। तभी यहाँ से सीन स्विफ्ट होता है और हम जैक को एक कॉफी शॉप में देखते हैं जहाँ जैक काम किया करता था। लेकिन जैक का दोस्त जैक से पूछता है कि क्या तुमने मीरी के साथ कभी घपा घप नहीं किया, जिस पे जैक अपने दोस्त को बताता है कि मैं मीरी का बस एक अच्छा दोस्त हूँ और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जिसके बाद उसका दोस्त उससे बोलता है कि तू दोस्त नहीं चूतिया है, अगर तेरी जगह मैं होता तो मैं उसे पेल दिया होता। तभी हम कॉफी शॉप के अंदर दो लड़कों देखते हैं जो उधर की साइड में एक वीडियो बना रहे थे, और जब जैक उन दोनों को देखता है तो जैक को पता चलता है कि वो दोनों मिलके मीरी का सब कुछ उतरता हुआ वीडियो बना रहे हैं। जिसके बाद जैक भी अपना पैंट उतार लेता है और कैमरे के सामने आ जाता है ताकि उनकी वीडियो खराब हो जाए, जिसे देखने के बाद वो दोनों बंदे काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम जैक और मीरी को एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होता हुआ देखते हैं। जब मीरी बाथरूम में नहा रही थी तभी अचानक से पानी खत्म हो जाता है, जिसके बाद मीरी जैक से हेल्प मांगने लगती है, लेकिन इन दोनों ने अपना वाटर बिल नहीं भरा था, जिस वजह से जैक को बाथरूम में से अपना पानी निकालना पड़ता है। अगले सीन में हम इन दोनों को पार्टी में देखते हैं जहां मीरी को उसका पुराना दोस्त बॉबी मिलता है और बॉबी मीरी से कहता है कि मैं यहां पे सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। दूसरी तरफ जैक भी मौके पे चौका मारने के चक्कर में लगा हुआ था और वो रैन नाम की एक लेडी पर डोरे डाल रहा था, जिसके बाद वो लेडी उसे बताती है कि मैं मैरिड हूं, लेकिन इन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद अगले सीन में हम मीरी को बॉबी और उसके दोस्त ब्रैंडन के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहां ब्रैंडन जैक और मीरी को वही वाली वीडियोस दिखाता है जिसमें मीरी अपने सब कुछ उतार रही थी। वो वीडियो किसी ने घपा घप वेबसाइट पर डाल दी थी और वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हो रही थी। ये देखने के बाद इन दोनों को काफी ज्यादा झटका लगता है और उसके बाद ये दोनों अपने कैफे में जाते हैं, जिसके बाद जैक मीरी को एक आइडिया देता है और वो उसे बोलता है कि क्यों ना हम घपा घप वाली वीडियोस बनाएं। लेकिन मीरी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो उसे साफ मना कर देती है और वो जैक से कहती है कि ये तुम्हारा आइडिया बिल्कुल बकवास आइडिया है। लेकिन जैक को ये आइडिया सुनकर चुल मची थी और वो हमेशा मीरी से इसी बारे में पूछने लगता है और आखिरकार जैक उसे मना ही लेता है और वो उसे समझाता है कि हम इसमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाएंगे। ये सुनने के बाद मीरी भी जैक की बात मान लेती है और वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब वो दोनों मिलकर घपा घप वाली फिल्में बनवाएंगे। जिसके बाद जैक अपने एक दोस्त को बोलकर लाइट और कैमरे का जुगाड़ करवाता है, वो सब मिलकर एक खाली जगह को रेंट पर लेते हैं, जिसके बाद ये लोग ऑडिशन भी लेते हैं ताकि इन लोगों को फिल्म बनाने में और भी ज्यादा हेल्प मिल सके। पहला दिन तो उनका बहुत ज्यादा अच्छा जाता है, लेकिन जब अगले दिन ये लोग बिल्डिंग के पास जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि सरकारी कर्मचारी के कुछ लोग उस पुरानी बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं और ये वही बिल्डिंग थी जिसे इन्होंने रेंट पर लिया था। जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि जिस बंदे से इन्होंने वो बिल्डिंग रेंट पर ली थी वो बंदा इनके पैसे लेके वहाँ से भाग गया है, और तो और इनका कैमरा और बाकी सामान भी उस बिल्डिंग के अंदर ही था। जिसके बाद ये सारे लोग उसी कॉफी शॉप में जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पे जैक काम किया करता था। तभी जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है क्यों ना हम कॉफी शॉप के ही कैमरे से वीडियो शूट करें। ये आइडिया बाकी लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आता है और वो सब लोग सारे कैमरा लाइटिंग वगैरह को वहीं पर फिट कर देते हैं। उसके बाद ये लोग मूवी शूटिंग करने लगते हैं, जिसमें कोई किसी और के साथ घपा घप करता है और कोई किसी और के साथ। जिसके बाद जैक और मीरी की बारी आती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ घपा घप करने के लिए काफी ज्यादा नर्वस थे, क्योंकि इन दोनों की लाइफ में एक वक्त ऐसा भी था जब इन्होंने डिसाइड किया था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ घपा घप नहीं करेंगे। जिसके बाद ये दोनों पुरानी कसम और पलंग दोनों तोड़ देते हैं और जम के एक दूसरे के साथ घपा घप करते हैं, जिसके बाद इनकी मूवी शूट हो जाती है और एक दूसरे के साथ पहली बार घपा घप करने की वजह से ये दोनों को एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार हो जाता है। उसके कुछ दिन बाद एक और वीडियो शूट हो रही थी जिसमें जैक को किसी और लड़की के साथ घपा घप करना था, लेकिन शूटिंग से पहले वो लड़की काफी ज्यादा घबरा रही थी, इसीलिए वो जैक से कहती है कि मुझे कैमरे से पहले तुम्हारे साथ एक बार अकेले में घपा घप करना है। जिसके बाद जैक भी उसकी बात मान लेता है और वो दोनों कमरे में जाकर अकेले में घपा घप करते हैं। ये बात मेरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि मीरी कहीं ना कहीं जैक को अंदर से प्यार करने लगी थी। जिसके बाद मेरी जैक के पास जाके उसे पूछती है कि तुमने उसके साथ घपा घप क्यों किया। तब जैक उसे जवाब देता है कि जब कुछ दिनों के बाद तुम्हारी भी शूटिंग स्टार्ट होगी तो तुम भी किसी और के साथ पलंग तोड़ोगी। ये बात सुनने के बाद मेरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक नए बंदे के साथ घपा घप करने के लिए उसके साथ चली जाती है। लेकिन घपा घप के दौरान मेरी को रियलाइज होता है कि वो जैक को ऐसे चीट नहीं कर सकती, जिस वजह से वो वहाँ से तुरंत चली जाती है। जिसके बाद मेरी जैक को हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन जैक उसे कहीं नहीं मिलता। इसके कुछ दिन बाद हम
जैक को एक मेले में देखते हैं जहां उसने एक कार्टून का गेटअप पहन के रखा था, जहां लोग अपनी भड़ास निकालने के लिए उसे अपना निशाना बनाते हैं और उससे जैक अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। तभी वहां जैक का दोस्त डैनी आता है, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में कॉफी शॉप में देखा था, जहां डैनी जैक से बोलता है कि भाई तू अच्छा खासा धंधा छोड़कर ये सब क्यों कर रहा है, जहां जैक उसे बताता है कि मुझे ये काम पसंद है। लेकिन डैनी उसे काफी ज्यादा जिद करने लगता है और वो जैक को अपने पुराने वाले काम में जाने के लिए बोलता है। थोड़ी देर जिद करने के बाद जैक भी उसकी बात मान लेता है और वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद जैक डैनी से पूछता है कि मेरी आखिर कहाँ है। तब डैनी उसे बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी किसी के साथ भी घपाघप वाली फिल्म नहीं बनाती और वो बस एक नॉर्मल फिल्मों में काम करती है। ये बात सुनने के बाद जैक को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसे रियलाइज होता है कि आखिर मेरी के साथ क्या हुआ और शायद उसे मेरी की कदर करनी चाहिए थी। जिसके बाद जैक सीधा भागते हुए मेरी के पास जाता है और वो उसे माफी मांगता है। मेरी भी जैक का इंतजार कर रही थी और वो उससे नाराज नहीं रह सकती थी, जिसके वजह से वो भी उसे तुरंत माफ कर देती है और बाद में ये दोनों रिलेशन में आ जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों फिर से घपाघप वाली फिल्में बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब ये लोग उस फिल्म के अंदर खुद नहीं आते थे, ये दूसरों को काम देके उनसे घपाघप वाली फिल्में शूट करवाते थे, जिसके बाद इनका काम बहुत अच्छे तरीके से चलने लगता है और इनके लाइफ की सारी नीड फुलफिल होने लगती है। और कुछ इसी तरह से ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।